स्नेक आइलैंड जिसको सरपेंट एंड जमीनी आइलैंड के नाम से भी जानते हैं और वो ब्लैक सी में लोकेटेड है स्नेक आइलैंड की अगर लोकेशन को अगर हम अच्छे से व्यू करें स्नेक आइलैंड जो है वो यूरोपियन कॉन्टिनेंट की इम्पोर्टेंट रिवर डेन्यूब रिवर फ्लो होती है उसके माउथ के ईस्टर्न पार्ट पर लोकेटेड है एंड यूक्रेन की एक इम्पोर्टेंट पोर्ट सिटी है ओडेसा पोर्ट सिटी उसके सर्दर्न एंड वेस्टर्न पार्ट पर लोकेटेड है ये जो स्नेक आइलैंड है इसके साइज को अगर हम व्यू करें तो सात मीटर से भी छोटी एक पीस ऑफ रोक के रूप में ये लोकेटेड है स्नेक आइलैंड जो है वो यूक्रेन के अंडर आता है और यूक्रेन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम में रशिया ने इसको कैप्चर कर लिया था हालांकि प्रेजेंट टाइम में वापस से रशिया ने यहां से विड्रू किया है जिसकी वजह से स्नेक आइलैंड जो है वो काफी ज्यादा न्यूज में है हमने डिस्कस किया कि ये डेन्यूब रिवर के जो माउथ वाला रीजन है उसके ईस्टर्न पार्ट पर लोकेटेड है तो डेन्यूब रिवर को अगर हम डिस्कस करें तो यूरोपियन कॉन्टिनेंट में वोल्गा रिवर के बाद में सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर के रूप में फ्लो होती है डेन्यूब रिवर जिसका ओरिजिन होता है जर्मनी कंट्री से अब हम बात कर लेते हैं ब्लैक सी से रिलेटेड तो ब्लैक सी से कौन कौन से कंट्री अपनी कोस्ट लाइन शेयर करते हैं तो नर्दर्न पार्ट पर यहाँ पर यूक्रेन कंट्री है वेस्टर्न पार्ट पर अगर हम बात करें तो रोमानिया एंड बुल्गारिया सर्दन में टर्की टर्की कंट्री और ईस्टर्न पार्ट पर जॉर्जिया और रशिया जो है वो ब्लैक सी के साथ में अपनी कोस्ट लाइन शेयर करते हैं ब्लैक सी एक स्टेट के थ्रू स्टेट ऑफ कर्च के थ्रू सी ऑफ अजो से भी कनेक्टेड है और यहां पर वेस्टर्न पार्ट पर अगर हम देखें तो अदर स्टेट स्टेट ऑफ बॉस्पोरस के थ्रू सी ऑफ मारमरा से कनेक्टेड और फिर लास्ट में स्टेट ऑफ डार्डन जो है उसके थ्रू सी ऑफ मारमरा जो है वो मेडिटेरियन सी से कनेक्टेड है तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं स्नेक आइलैंड ब्लैक सी से रिलेटेड जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है ओके थैंक यू